गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें टुडेस टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है विटामिन ई। विटामिन ई, और विटामिन ई जो है इसको क्या कहा जाता है? विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल तो कहते हैं, लेकिन इसके साथ में विटामिन ई जो है वो एंटी बांझपन विटामिन है। क्लियर? यानी कि फर्टिलिटी जो है उसको क्या करता है? ये डेवलप करता है। क्या करता है? डेवलप। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा इसके अंदर कि विटामिन ई को एंटी बांझपन विटामिन कहा जाता है। विटामिन कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको दूसरा नाम क्या है इसका? टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं इसको? तो विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ई को टोकोफेरोल भी कहा जाता है। कहा जाता है। और ये टोकोफेरोल कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले विटामिन ई की खोज किसने करी थी? कौन सी सन में? 1936 में इवांश नामक वैज्ञानिक ने विटामिन ई के बारे में बताया। ई के बारे में बताया, ठीक है। टोकोफेरोल कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन कौन से? तो टोकोफेरोल चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार, देर आर फोर टाइप्स ऑफ द होते हैं। पहला कौन सा है? अल्फा टोकोफेरोल। नंबर दो पे बीटा टोकोफेरोल। नंबर सी गामा। और लास्ट में डेल्टा टोकोफेरोल, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव टोकोफेरोल कौन सा है? अल्फा टोकोफेरोल। कौन सा है? अल्फा टोकोफेरोल। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा टोकोफेरोल सर्वाधिक क्रियाशील होता है। सर्वाधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। अब हमारे पास में बात करें विटामिन ई जो है इसके अंदर अल्फा टोकोफेरोल जो है उसका फॉर्मूला क्या है? अल्फा टोकोफेरोल, इस अल्फा टोकोफेरोल का सूत्र क्या है? C29H कितना है? 50। और साथ में कौन है? कार्बन 29 है। C29H50 and O2। और बीटा टोकोफेरोल का सूत्र क्या है? बीटा टोकोफेरोल, इसका सूत्र है C28H48O2, ठीक है। फॉर्मूला यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसका ये वाला। यहां पर R1OH, R2, R3, यहां पर कौन आएगा? CH3, CH2 का होल थ्राइस, CH, CH3, CH2 का होल थ्राइस, CH, CH3, CH2 का होल थ्राइस, CH, CH3 and CH3। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास में?
अल्फा टोको फेरोल का फॉर्मूला बनाइए फटाफट। अल्फा और बीटा के अंदर किसका डिफरेंस किसका है? CH2 ग्रुप का। किसका ग्रुप है? CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, यानी एक मिथाइल ग्रुप जो है वो हमारे पास में बीटा टेकोफेरोल में कम होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई के गुण, इरेज करूं? प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन ई। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है विटामिन ई की? कि विटामिन ई जो है वो आपका जल में अघुलनशील होता है और वसा में क्या होता है? घुलनशील होता है। तो लिखिए विटामिन ई जल में अघुलनशील एवं वसा में घुलनशील होता है। नंबर दो, विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है? सामने वाले का ऑक्सीकरण नहीं करवाता ये। तो लिखिए विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है या एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है। नंबर थ्री, कि विटामिन ई जो है वो क्या करता है? ये मांसपेशियों के लिए भी हमारे लिए कार्य करता है। ठीक है, क्लियर। और दूसरा कि ये जो विटामिन ई है वो विटामिन ई जो है वो बांझपन को दूर करता है। तो लिखिए इसके अंदर कि विटामिन ई बांझपन को दूर करता है। ठीक है। अब ये पाया किसमें जाता है? ये पाया जाता है प्राकृतिक रूप से जो पीले रंग के तेल होते हैं जितने भी, उन सब के अंदर ये पाया जाता है। तो लिखिए नंबर फोर, यह है प्राकृतिक रूप से पीले रंग के तेलों में उपस्थित होता है। पीले रंग के तेलों में उपस्थित होता है। दूसरा इसका है जो मेन करेक्टर है कि हवा की अनुपस्थिति में ये स्थायी रूप क्रिएट कर लेता है, हवा की उपस्थिति में। तो लिखिए इसके अंदर हवा की अनुपस्थिति में यह स्थायी रूप ग्रहण कर लेता है, स्थायी रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है। और हमारे भोजन में इसका मेन फंक्शन क्या है? कि इस विटामिन की उपस्थिति से ये दूसरे विटामिनों का क्या नहीं होने देता है? ऑक्सीकरण नहीं होने देता है। क्योंकि यदि दूसरे विटामिनों का ऑक्सीकरण हो गया तो उनसे मिलने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें नहीं मिलेंगे, पोषक तत्व जो है वो नहीं मिलेंगे। तो लिखिए इसके अंदर नंबर सिक्स, यह है भोजन में उपस्थित अन्य विटामिनों के ऑक्सीकरण अन्य विटामिनों के ऑक्सीकरण को रोकता है।
ठीक है, जब विटामिनों के साथ ऑक्सीजन ऐड ही नहीं होगी, ऐड नहीं होगी तो वो डिकम्पोज नहीं होंगे, क्लियर। जैसे कि हमारे पास में, मान लो कि अपने पास में जैसे मैथेन है, तो मैथेन के साथ यदि ऑक्सीजन ऐड होगी तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना देगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इनोलेशन के एक्सहलेशन के थ्रू बाहर निकाल देंगे, वाटर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, तो जो हमें मिलने वाला था वो तो मिलेगा ही नहीं। विटामिन ए की बात करूं तो विटामिन ए के साथ यदि ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो विटामिन ए के साथ ऑक्सीजन ऐड होकर के और आपके जो ग्लूकोज है उसको किस में ब्रेक कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक कर देगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ग्लूकोज ब्रेक होगी तो जो हमें एनर्जी चाहिए वो तो मिलेगी नहीं। तो इसलिए ये क्या करता है विटामिन ई, कि जो भोजन के साथ ऑक्सीजन जा रही है उस ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो ऑक्सीजन किसी दूसरे विटामिन को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनका ऑक्सीकरण नहीं होता और हमारी सेल्स तक पहुंचने के बाद वो है क्या होता है, ब्रेकआउट होता है। अदरवाइज यदि होगा तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही टूट जाएगा, विटामिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक हो जाएंगे, और जब ब्रेक हो गए तो एब्जॉर्प्शन किसका करोगे भैया, पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। और जब छोटी आंत के अंदर ये पहुंचे, पहुंचते ही ये ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और टूटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को आप एब्जॉर्ब कर नहीं सकते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और बनी एक्सोलेशन के थ्रू बाहर, ठीक है। और पानी जो बना वो पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ स्टार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहां वाटर है तो वाटर के अंदर से तो वही न्यूट्रिशन निकलेंगे जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, और वो विटामिन तो है ही नहीं, ऑलरेडी पहले से ही ब्रेक हो गए, तो वो हमारे लिए वो खाना जो है वो पोषक तत्वों से पूर्ण नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, विटामिन ई के कार्य, वर्क ऑफ विटामिन ई। पहला वर्क तो यही हो गया इसका, कि विटामिन ई भोजन में उपस्थित तो ऑक्सीजन का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। तो लिखिए विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ऑक्सीजन का अवशोषण करती है, अवशोषण कर लेती है, जिससे भोजन में उपस्थित विटामिन ए तथा कैरोटीन का अपघटन नहीं हो पाता, अपघटन नहीं होता है, नहीं होता है। और ये हमें जो है वो किसके थ्रू मिल जाते हैं, भोजन के थ्रू मिल जाते हैं, ठीक है। नंबर दो, दूसरा क्या हो गया, दूसरा वर्क क्या है, कि ये मांसपेशियों के लिए आवश्यक है, मांसपेशियों की जो कार्य है उसके लिए भी ये क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो नंबर सेकंड लिखिए, विटामिन ई मांसपेशियों के कार्य में सहयोगी होते हैं, नंबर थर्ड, विटामिन ई का कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, कि बांझपन को दूर करते हैं। ये ध्यान रखना कि विटामिन ई जो है वो फर्टिलिटी को डेवलप नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बांझपन को दूर कर देते हैं, प्रजनन क्षमता को इंप्रूव नहीं करता है। यदि कोई बांझपन है तो वो उसके अंदर ये जो है वो फर्टिलिटी को डेवलप कर देंगे, क्लियर, विकसित कर देंगे, बांझपन को खत्म कर देंगे। लेकिन यदि मान लो कि फर्टिलिटी जो है, प्रजनन क्षमता है, उसको ऐसा नहीं कि प्रजनन क्षमता भी सिंगल है तो उसको डबल कर दिया जाएगा, वो नहीं करेगा ये। तो नंबर थर्ड,
विटामिन ई क्या करता है? बांझपन को दूर करता है। और हमारे इवांश भाई साहब ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? चूहों के ऊपर किया था। वहीं से हमें पता पड़ा था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ चूहे थे जिनको विटामिन ई की प्रचुर मात्रा दी गई, और कुछ चूहे थे जिनके भोजन में से विटामिन ई को क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया। तो देखा उन्होंने कि जिनके खाने में से, जिनके भोजन में से विटामिन ई की मात्रा निकाल ली गई है, उनके अंदर नेक्स्ट फर्टिलिटी यानी नेक्स्ट जो जनरेशन थी वो डेवलप हुई नहीं है, विकसित नहीं हुई है। और यदि जो जिनके खाने में विटामिन ई की प्रचुर मात्रा दी गई वो नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने के लिए सक्षम थे। आगे समझ में? कुछ उन्होंने देखा कि जिनके खाने में से विटामिन ई को मात्रा को कम किया गया, उनके अंदर बार 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 क्या हो रहा था? अबोशन हो रहा था, मतलब बार बार अपने आप ही जो बच्चे थे वो क्या हो रहे थे? चूहों में मिसगरेज हो रहे थे, अपने आप गिर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि खाने के अंदर विटामिन ई की जो है वो मात्रा क्या होनी चाहिए? पूरी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, विटामिन ई की कमी से प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई की कमी के प्रभाव, नंबर फर्स्ट, विटामिन ई की कमी से क्या हो जाती है? नपुंसकता पैदा होती है। नंबर दो, विटामिन ई की कमी से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग होता है, रोग हो जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग क्या होता है? मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं इसको बांटे आने, बांटे आते हैं नहीं आते, नस पे नस चढ़ जाती है, ठीक है, वो मसल्स पेन जिसको अपन बोलते हैं वो होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। क्लियर? हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं बहुत अच्छा हम लोग लेते हैं, लेकिन आपके खाने के अंदर यदि आप विटामिन ई की कमी है तो उसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, विटामिन ई विटामिन ई अब देखिए, विटामिन ई की कमी होगी तो आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड कॉर्पल्स यानी आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं जो है उनकी भी वर्किंग पावर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और जब लाल रक्त कणिकाओं के अंदर कमी आएगी तो ब्लड बनेगा नहीं, और जब ब्लड बनेगा नहीं तो खून की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? तो लिखिए, विटामिन ई की कमी से लाल रक्त कणिकाओं की कार्यशैली प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। यानी कि जब विटामिन ई जो है इसकी कमी होगी तो आपकी बॉडी जो है वो पहले ही क्या दे देगी? सिंबल दे देगी, आपकी बॉडी येलो कलर की होना स्टार्ट हो जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि पीलिया हो गया, बोलते ही नहीं बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली है क्या? विटामिन ई की कमी है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी का जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम हो चुकी है, और वर्किंग कैपेसिटी कम होने की वजह से ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए हमारे पास दो सिंबल आते हैं, एक सिंबल तो आता है हमारी बॉडी ब्लू कलर की हो जाती है। वो बॉडी ब्लू कलर की तो तब होगी जब आपकी अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, और यदि ब्लड नहीं बना तो हमारी बॉडी क्या दिखने लग जाएगी? येलो कलर की दिखेगी। और जब ब्लड ही नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं होगा, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे येलो के साथ साथ ब्लू कलर के भी क्या दिखाई देने लग जाते हैं?
ब्लू कलर के क्या हो जाते हैं, चकते से बनते हैं, नहीं बनते, स्पॉट्स बन जाते हैं, वो इसकी वजह से ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए नंबर चार, विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, मिसकैरेज को क्या बोलते हो हिंदी में, गर्भपात, आदतन गर्भपात। विटामिन ई की कमी से आदतन गर्भपात होना प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। आदतन गर्भपात का मतलब है कि जितनी बार भी जो चूहे हैं वो प्रेगनेंसी एक्सेप्ट करेंगे, जस्ट थोड़े दिन बाद ही वापस क्या हो जाएगा, मिसगैरेज हो जाएगा, यानी गर्भ का ठहराव नहीं होगा, बार 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 मिसगैरेज होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये आपके पास में है विटामिन ई की कमी के प्रभाव। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब देखिए कि ये तो कमी हो गई, यदि ज्यादा हो गई तो क्या होगा, तो ज्यादा होने पर फायदा ही होगा, फायदा ये होगा कि यहां पर विटामिन ई की अधिकता से बांझपन दूर हो जाएगा, लेकिन साथ में एक टॉपिक दे दिया जाता है कि फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लिखिए विटामिन ई की अधिकता के प्रभाव, विटामिन ई की अधिकता के प्रभाव, लिखिए विटामिन ई की अधिकता, अधिकता से प्रजनन क्षमता क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि बांझपन दूर हो जाता है, बांझपन दूर हो जाता है। विटामिन ई के स्रोत, कि विटामिन ई किस में पाए जाते हैं, नेक्स्ट विटामिन ई के स्रोत, सोर्स ऑफ विटामिन ई। हाँ जी, विटामिन ई किस में पाया जाता है, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, साथ में क्या होगा, वनस्पति तेल, वसा, हरी सब्जियां आदि। इसके अंदर क्या उपस्थित होगा, विटामिन ई उपस्थित होगा। नेक्स्ट अपने पास में कि हमें प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है, तो विटामिन ई की जो है वो एक वयस्क मनुष्य को कितनी आवश्यकता होगी, 15 से 20 मिलीग्राम की, क्लियर। और जिसके अंदर विटामिन ई की कमी हो जाती है, यानी नवजात बच्चे वगैरह जो है उनको कितनी चाहिए, 30 मिलीग्राम, कितनी चाहिए, 30 मिलीग्राम। तो लिखिए आवश्यकता, एक स्वस्थ मनुष्य को, व्यक्ति को प्रतिदिन पंद्रह से 20 मिलीग्राम विटामिन ए, सॉरी विटामिन ई, विटामिन ई की मात्रा की आवश्यकता, की आवश्यकता होती है, जबकि शिशु एवं गर्भवती महिला, महिला को 30 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है, 30 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता
होती है, क्योंकि यदि विटामिन ए नहीं मिला तो क्या हो सकता है, मिसगरीज हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, या फिर उसके अंदर परमानेंट जो है इसकी कमी की वजह से, धीरे 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 यदि परमानेंट कमी हुई तो उसकी वजह से बांझपन स्थायी रूप धारण कर सकता है, मतलब वो आगे नेक्स्ट कभी भी नई जनरेशन को पैदा नहीं कर सकती। और दूसरा जो है वो लकवा भी आ सकता है विटामिन ई की कमी से, यदि ज्यादा दिनों तक विटामिन ई की कमी रही तो हमारी बॉडी के अंदर पैरालिसिस भी क्रिएट हो सकता है। क्लियर है, ये हमारा विटामिन ई यहाँ कंप्लीट होता है। क्लियर, तो सबसे पहले विटामिन ई के बारे में किसने बताया, 1936 के अंदर किसने बताया, इवांस नामक साइंटिस्ट ने हमें सबसे पहले बताया। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, लोकोफेरोल। क्या नाम है, कितने प्रकार का होता है, टेकोफेरोल, चार, कितने, चार, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अल्फा का फॉर्मूला क्या है, C29H50O2, और बीटा का फॉर्मूला क्या है, C28H40H2। दोनों में डिफरेंस किसका, मिथाइल ग्रुप का, CH2 ग्रुप का, किसका है, CH2 ग्रुप का। क्लियर, मोर रिएक्टिव टेकोफेरोल कौन सा है, अल्फा, कौन सा है, अल्फा। विटामिन ई जो है वो ज्यादातर किस में प्रेजेंट होता है, वनस्पति तेलों के अंदर, किसके अंदर होता है, सबसे पहले विटामिन ई की स्टडी किसके ऊपर की गई थी, चूहों के ऊपर, ठीक है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन क्या है, बांझपन को दूर करना, ठीक है। चलिए, ये हमारा विटामिन ई का जो टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट नई क्लास के अंदर फिर से मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, टेक केयर।